हेलो गाइस, कंसंट्रेशन टर्म के साथ साथ हम लोग उन्हीं से रिलेटेड कुछ डाइल्यूशन करने पर किस तरह कंसंट्रेशन, खासकर मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन चेंज होती है, डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट्स चेंज होती हैं और मिक्स करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन को क्या कहते हैं डाइल्यूशन। सबसे पहले हम डाइल्यूशन वर्ड का मतलब समझते हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। एक्वा सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पानी ऐड करें, आयोडीन बेंजीन सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बेंजीन सॉल्वेंट ऐड करें, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। जब भी सॉल्वेंट हम ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा, न्यूमरेटर का सॉल्यूट का मोल वेट मोल जो भी होगा वो फिक्स रहेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा आपका तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो वैल्यू ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। तो डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन हैव स्मॉलर वैल्यूज इन कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज बिफोर डाइल्यूशन। मैं एक सॉल्यूशन ले लेता हूं जिसका वॉल्यूम वी वन है, हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हम लोग सॉल्वेंट ऐड कर देते हैं, सॉल्वेंट एडेड, वी सॉल्वेंट को वी एस बोल देते हैं, एस फॉर सॉल्वेंट। पहले इसकी मोलरिटी एम वन है, डाइल्यूशन करने के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ चुका होगा। अब सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2 बोल देते हैं और घटकर मोलरिटी M2 हो गई। V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं पहले का वॉल्यूम प्लस कितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा सॉल्यूशन का। एक चीज हम जानते हैं, डाइल्यूशन करने पर सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन सेम। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट चेंज नहीं होने वाला डाइल्यूशन पर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन ये हो गया बिफोर डाइल्यूशन और ये हो गया आफ्टर डाइल्यूशन। इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग लिख सकते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोल्स बिफोर को हम लिख सकते हैं पहले की मोलरिटी, पहले का वॉल्यूम। मोल्स आफ्टर बाद की मोलरिटी और बाद का वॉल्यूम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन। M1 V1 पहले की मोलरिटी और पहले का वॉल्यूम, डाइल्यूशन करने के बाद मोलरिटी वॉल्यूम M2 V2 है। V1 U2 V2 दोनों सेम यूनिट में होना चाहिए। दोनों ml में करेंगे तो मिलीमोल्स बिफोर डाइल्यूशन, मिलीमोल्स आफ्टर डाइल्यूशन सॉल्यूट के बराबर कर दोगे और मोल्स वॉल्यूम लीटर में करेंगे तो मोल्स आ जाएंगे बिफोर M1 V1, मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन M2 V2। M1 V1 is equal to M2 V2 इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसी तरह अगर हम बात करें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में तो पहले अगर इसकी नॉर्मलिटी एन वन है, बाद में डाइल्यूशन करने के बाद इसकी नॉर्मलिटी एन टू हो गई तो इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट बिफोर इज इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट आफ्टर। और व्हाट इज इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नॉर्मलिटी। तो इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर।
तो पहले कितने इक्विवेलेंट सब्सोल्यूट हो जाएंगे N1V1, बाद में इक्विवेलेंट सब्सोल्यूट N2V2, पर डाइल्यूशन पर सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट्स को फर्क नहीं पड़ेगा। वॉल्यूम ML में होगा तो मिली इक्विवेलेंट्स बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स आफ्टर डाइल्यूशन। ये आपका लॉ ऑफ इक्वल लॉ, दिस इज इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन हो गई। M1V1 is equal to M2V2, moles before is equal to moles after. N1V1 is equal to N2V2, equivalents before dilution is equal to equivalents after dilution. ये तो dilution का हो गया। और जब भी हम solvent add करेंगे, हम moles before dilution, moles after dilution, mass before dilution, mass of solute after dilution बराबर करते रहेंगे। Next is molarity of mixing of solutions या molarity relation for mixing of solutions, इसमें condition है सारे solution में solvent and solute same रहने चाहिए। सारे solution में same solute रहेगा, सारे solution में same solvent रहेगा, ये इसकी prior condition है। मैं ले लेता हूं सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3। इस सॉल्यूशन M1 इसका वॉल्यूम V1, इस सॉल्यूशन का मोलरिटी M2 वॉल्यूम कुछ होगा V2, इस सॉल्यूशन का मोलरिटी M3 वॉल्यूम V3। सब सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी एक ही है। जैसे अगर हम बात करें एक्वस एचसीएल सॉल्यूशन, ये भी एक्वस एचसीएल, ये भी एक्वस एचसीएल, तो सब में सॉल्वेंट पानी 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 और सब में सॉल्यूट एचसीएल एचसीएल एचसीएल, सेम सॉल्यूट होना चाहिए, सेम सॉल्यूशन। अब अगर हम इस सॉल्यूशन को भी इधर रख दें, इस सॉल्यूशन को भी एक ही कंटेनर में डाल दें, तो वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 सोन जितने भी होंगे। मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगी, वो M1 प्लस M2 प्लस M3 नहीं होगी। ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, मिक्सिंग करने के बाद जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है। एक चीज हम लोग जानते हैं कि इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट X होंगे, इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट Y होंगे, इसमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट Z होंगे, तो तीनों में मोल्स ऑफ सॉल्यूट X प्लस Y प्लस Z हैं कुल मिलाकर, तो यहां पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट X प्लस Y प्लस Z रहेंगे। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन ऑल ऑफ दिस सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन फाइनल मिक्सचर। वैसे हम यही फंडा यूज करेंगे, तो यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हो जाएंगे, M1V1 ऑलरेडी मल्टी वॉल्यूम इन लीटर इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट होंगे, V2 लीटर में M2V2। यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने प्रेजेंट होंगे, M3V3। और यहां पर रिजल्टिंग सॉल्यूशन में R फॉर रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितने होंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, MRVR। तो मोल्स पहले सॉल्यूशन से इतने आए, सॉल्यूट के मोल दूसरे सॉल्यूशन से M2V2 आए, तीसरे से M3V3 आए, इज इक्वल टू मोल्स इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएंगे, MV ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सिंपल, VR तो आपका हो जाएगा इधर V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने भी हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज पहले सॉल्यूशन से मोल ऑफ सॉल्यूट, दूसरे सॉल्यूशन से मोल ऑफ सॉल्यूट, तीसरे सॉल्यूशन से मोल ऑफ सॉल्यूट, V1 प्लस V2 प्लस V3। जितने भी सॉल्यूशन हैं वो आते रहेंगे। इन जनरलाइज हम इसको लिख सकते हैं, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज MIVI डिवाइड बाय VI, सेम रिलेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। सारे के सारे वॉल्यूम किस में होने चाहिए, सारे के सारे क्या तो लीटर में हो, V1 V2 सारे के सारे मिलीलीटर में हो, सारे के सारे सेम यूनिट में होने चाहिए, देन नॉट ए प्रॉब्लम, ऑल वॉल्यूम मस्ट बी इन द सेम यूनिट टू यूज दिस एक्सप्रेशन।
पोलरिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन विद डाइल्यूशन। मिक्सिंग करने के साथ साथ हम डाइल्यूशन भी कर देते हैं लिक्विड से, फिर भी इसमें भी जब मिक्सिंग करेंगे या मिक्सिंग के साथ डाइल्यूशन करेंगे, किसी भी केस में आपस में अलग अलग सॉल्यूट नहीं होने चाहिए। सेम सॉल्यूट होंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। जब भी मिक्सिंग करेंगे तो दो सॉल्यूट्स के बीच में आपस में रिएक्शन भी हो सकती है, तो रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन होने तो होने के बाद जो केमिकल स्पीसीज प्रेजेंट होगी हम उनकी बात करेंगे, पर रिएक्शन जब भी मिक्सिंग हो तो कॉन्सेंट्रेशन तो जरूर चेंज होती है, चाहे रिएक्शन हो या नहीं हो। अब रिएक्शन नहीं होगी तो सारे सॉल्यूट एक ही हो सकते हैं, सारे सॉल्वेंट एक हो सकते हैं, सारे सॉल्वेंट एक होने के साथ साथ सॉल्यूट अलग अलग भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट केसेस, मिक्सिंग के डिफरेंट केसेस, हम एक केस ले रहे थे, यहां पर भी डाइल्यूशन में सेम सॉल्यूट रहेंगे, सेम डाइल्यूशन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, एक ही सॉल्यूट होगा तो रिएक्शन नहीं होगी ऑब्वियसली। तो अब इस बार नेक्स्ट सॉल्यूशन में यहां पे सिर्फ ओनली सॉल्वेंट है, सेम VS, उसका वॉल्यूम वो तो प्योर है, तो उसकी मोलरिटी हम लोग बात करते हैं। प्योर प्योर सब्सटेंस जो मिक्सर नहीं होता उसकी मोलरिटी डिफाइंड होती है। तो ये VS हो गया, जितने भी सॉल्यूशन है यहाँ पे सॉल्यूशन चलते रहेंगे, प्लस सॉल्वेंट होगा VS, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ से आएंगे, सॉल्यूट यहाँ पे आएंगे, सॉल्यूट यहाँ से सॉल्यूट आएंगे, पर सॉल्वेंट में तो सॉल्यूट आएगा नहीं, तो उसके नाम के यहां पर जो रहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट वो जीरो रहेंगे, मोलरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन लास्ट में ये वीएस रहेगा। तो आपका रिलेशन आ जाएगा डिवाइड बाय, ये आपका रिलेशन आ जाएगा फाइनल रिलेशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, फाइनल सॉल्यूशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स पर लीटर वही होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन का है तो मोलरिटी फाइनल सॉल्यूशन, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन ही हम लोग यूज कर रहे हैं, नथिंग स्पेशल। वी विल डू न्यूमेरिकल ऑन इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑफ मिक्सिंग विद डाइल्यूशन। वी विल ऑल्सो सी द केसेस व्हेन देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूट in different solutions and these solutions with different type of solutes but same solvent के साथ हो और उनको mix करें तो फिर final क्या क्या रहेगा, उसमें reaction होगी या नहीं होगी, further दो cases होंगे। तो same solute है तो reaction नहीं होगी, different solute है तो reaction हो भी सकती है और reaction नहीं भी हो सकती, पर जब भी reaction हो या नहीं हो mixing, concentration हम जरूर change करके देखते हैं। Fine, okay. Let me stop here. We will do numerical on this in next video. Thank you very much.